नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशे अकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने जा रहे हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोफेसर पिगू के अनुसार कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है आर्थिक मंदी, ध्यान दीजिएगा, और बेरोजगारी का परिणाम होता है गरीबी। बेरोजगारी अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की संकल्पना होती है, ध्यान दीजिएगा। आज हम फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोफेसर पिगू के अनुसार कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है आर्थिक मंदी। ध्यान दीजिएगा, तथा जनसंख्या अधिक। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक मंदी तथा अधिक जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी का जन्म होता है और बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप गरीबी का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक मंदी तथा अधिक जनसंख्या, आर्थिक मंदी व अधिक जनसंख्या जन्म देती है का परिणाम होता है बेरोजगारी और बेरोजगारी का परिणाम होता है गरीबी। गरीबी का दूसरा कारण है मुद्रा स्फीति या महंगाई। अधिक जनसंख्या कहीं ना कहीं बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों का परिणाम होती है। किसी भी देश की अधिक जनसंख्या गरीबी तथा बेरोजगारी दोनों का परिणाम होती है। बेरोजगारी संकल्पना है अल्प विकसित व विकासशील देशों की अवधारणा है गरीबी तथा बेरोजगारी।
गरीबी तथा बेरोजगारी परस्पर पूरक होते हैं, गरीबी व बेरोजगारी, गरीबी तथा बेरोजगारी परस्पर पूरक होते हैं, परस्पर पूरक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रोफेसर पीगू के अनुसार कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का मुख्य कारण है आर्थिक मंदी तथा अधिक जनसंख्या। आर्थिक मंदी व अधिक जनसंख्या का परिणाम है बेरोजगारी और बेरोजगारी का परिणाम है गरीबी। गरीबी का और भी कारण है मुद्रास्फीति या महंगाई व अधिक जनसंख्या। गरीबी तथा बेरोजगारी अल्प विकसित व विकासशील देशों की संकल्पना है। गरीबी व बेरोजगारी परस्पर पूरक होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरोजगारी के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरोजगारी के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अगला है बेरोजगारी के प्रकार। देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहले इसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं क्षेत्रीय बेरोजगारी। क्षेत्रीय बेरोजगारी, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्षेत्रीय बेरोजगारी को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी अर्थात अर्बन, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण बेरोजगारी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी अर्थात सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी बेरोजगारी को हम डिवाइड कर सकते हैं, शहरी बेरोजगारी को हम डिवाइड कर सकते हैं औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विकराल समस्या है, शिक्षित बेरोजगारी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अतिरिक्त देखते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी,
ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि अगला है, ध्यान दीजिएगा, अऐच्छिक बेरोजगारी, अऐच्छिक बेरोजगारी, अऐच्छिक बेरोजगारी, अऐच्छिक बेरोजगारी, नॉन वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अऐच्छिक बेरोजगारी को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। पहला, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है घर्षणात्मक, घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, अर्थात फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अंतर्गत लास्ट है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अर्थात साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, भारत में बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसको समझते हैं। पहला, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्षेत्रीय बेरोजगारी, जिसे डिवाइड किया गया है ग्रामीण बेरोजगारी तथा शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति को ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार न मिलने की स्थिति को ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को शहरी बेरोजगारी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी। यदि किसी कार्य को करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी उस कार्य को करने के लिए अधिक व्यक्तियों से काम लिया जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए किसी खेत में काम करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उस खेत में उसी काम को करने के लिए पांच लोगों को लगाया गया है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं तीन अतिरिक्त लोग अदृश्य बेरोजगारी के शिकार है, अर्थात तीन अतिरिक्त लोग अदृश्य बेरोजगार है। इसी प्रकार दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, प्रतिवर्ष किसी विशेष मौसम तथा अवधि में उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।
भारत में 7 से 8 महीने कृषि कार्य चलता है और बाकी महीने में किसान मौसमी बेरोजगार हो जाते हैं। शहरी बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को शहरी बेरोजगारी कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या तथा कम उद्योगों के कारण शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित तथा कार्य करने में सक्षम या कुशल श्रमिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान भारत की एक विकराल समस्या है। ऐच्छिक बेरोजगारी, कार्य करने में सक्षम होने के बावजूद अपनी इच्छा से रोजगार ना प्राप्त करने की से उत्पन्न स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कार्य करने में सक्षम होने के बावजूद रोजगार ना लेने की स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी को सामान्य तौर पर एक बेरोजगारी माना नहीं जाता है। अगला है अऐच्छिक बेरोजगारी, नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत पहला है अऐच्छिक बेरोजगारी, का मतलब होता है शिक्षित तथा कार्य करने में सक्षम तथा कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को अऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित तथा कार्य करने में कुशल तथा कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को अऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन होने पर उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई विद्युत उत्पादन कंपनी है, प्रारंभ में वहां पर एम्प्लॉयज की संख्या थी, कर्मचारियों की संख्या थी 50,000, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के कारण प्रत्येक कार्य मशीनों से हो रहा है, अर्थात टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मशीनीकृत उद्योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे कर्मचारियों की संख्या घट रही है। तो यदि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में मशीनीकृत आधुनिकता बढ़ती है तो एम्प्लॉयज की संख्या घटती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन आने से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बाजार की दशा, मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण, बाजार की दशा अर्थात मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आर्थिक मंदी के समय बाजार में मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आता है, जिसके कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय बाजार में मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप
घर्षणात्मक बेरोजगारी का जन्म हुआ। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में चार चक्र होते हैं, चार अवस्थाएं होती है। अर्थव्यवस्था के चार चक्र या चार अवस्थाएं होती है। पहला, आर्थिक सुस्ती। दूसरा होता है आर्थिक मंदी। तीसरा होता है आर्थिक पुनः उत्थान। और इसके बाद आता है आर्थिक तेजी। और आर्थिक तेजी का फिर आ सकता है आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, आर्थिक पुनः उत्थान, आर्थिक तेजी। तो अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आर्थिक मंदी के कारण जो बेरोजगारी आती है इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो यह है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार। पहला है क्षेत्रीय बेरोजगारी, जिसके अंतर्गत है ग्रामीण बेरोजगारी तथा शहरी बेरोजगारी। प्रोफेसर पीगू के अनुसार कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम तथा इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आता है पहला अदृश्य बेरोजगारी। किसी कार्य को करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होने के बावजूद अधिक व्यक्तियों से काम लिया जाना अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। किसी काम को करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होने के बावजूद भी कम व्यक्तियों की आवश्यकता
होने के बावजूद भी अधिक व्यक्तियों से काम लिया जाना अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। किसी खेत में काम करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होने के बावजूद पांच व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है, अर्थात तीन व्यक्ति अदृश्य बेरोजगार है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। प्रति वर्ष किसी विशेष मौसम तथा अवधि में उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखते हैं क्षेत्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम एवं इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को शहरी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। अधिक जनसंख्या तथा कम उद्योगों के कारण कम उद्योगों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। दूसरा है शिक्षित तथा कार्यकुशल श्रमिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित व कार्यकुशल श्रमिकों को योग्यता अनुसार
योग्यता अनुसार रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को ना मिल पाने की स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अगला है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी कार्य करने में सक्षम, कार्य करने में सक्षम तथा कार्य रोजगार ना करने की इच्छा, रोजगार ना करने की इच्छा से उत्पन्न बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी नहीं माना जाता है। अगला है अऐच्छिक बेरोजगारी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अऐच्छिक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी नहीं माना जाता है। अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी नहीं माना जाता है। सामान्य बेरोजगारी नहीं माना जाता है। अब हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं अऐच्छिक बेरोजगारी। अगला है अऐच्छिक बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है अऐच्छिक बेरोजगारी। अऐच्छिक बेरोजगारी समझिएगा, शिक्षित एवं कार्य करने में सक्षम तथा कार्य करने में इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ना मिल पाने की स्थिति को अऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसका टाइप हो सकता है पहला संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन आने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन आने के कारण
संरचनात्मक परिवर्तन आने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को, उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है बाजार की दशा अर्थात मांग व पूर्ति में परिवर्तन आने पर उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला देखते हैं इसी के अंतर्गत चक्रीय बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा, अगला है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी अर्थात चक्रीय उतार चढ़ाव में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के चार चक्र या अवस्थाएं होती है। पहला है आर्थिक सुस्ती, जो आगे जाके जन्म दे सकती है आर्थिक मंदी को, और आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से उठाव आता है आर्थिक पुनः उत्थान अगर तेजी पकड़ ले तो इसे कहते हैं आर्थिक तेजी, और फिर से बाजार में आ सकता है आर्थिक सुस्ती। तो अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो यह हमने डिस्कस किया बेरोजगारी के प्रकार। आगे देखते हैं बेरोजगारी के कारण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण, फिर देखेंगे बेरोजगारी के प्रभाव, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, और लास्ट में मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण
बेरोजगारी का सबसे जटिल कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारण है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। अगला है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। कम विकास दर। कम विकास दर। जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक मंदी, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कम विकास दर, पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी की अपर्याप्तता। बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक मंदी, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कम विकास दर, पूंजी की अपर्याप्तता। अगला हम देखने जा रहे हैं बेरोजगारी के प्रभाव। बेरोजगारी के प्रभाव। बेरोजगारी के मुख्य रूप से दो प्रभाव हो सकते हैं। एक है आर्थिक प्रभाव और एक है सामाजिक प्रभाव। बेरोजगारी के आर्थिक प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव है, पहला निर्धनता या गरीबी। निर्धनता या गरीबी। बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव है निर्धनता या गरीबी बढ़ेगा। उत्पादकता में कमी आएगी, क्योंकि अगर बेरोजगारी होगी तो सामान कम से कम खरीदे जाएंगे, जिससे इंडस्ट्री का उत्पादन क्षमता कम करना होगा। उत्पादकता में कमी आएगी। उत्पादकता में कमी आएगी। बेरोजगारी के कारण क्रय शक्ति कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। क्रय शक्ति कम होगा। निर्धनता या गरीबी बढ़ेगी। उत्पादकता में कमी आएगी। क्रय शक्ति कम होगी। अगला है पूंजी निर्माण। लोगों के पास पूंजी निर्माण में कमी आएगी। विकास दर। लोगों का विकास दर में कमी आएगी। नागरिकों के विकास दर में कमी आएगी। अगला है सामाजिक प्रभाव। अगला है सामाजिक प्रभाव। समाज में अपराधीकरण बढ़ेगा। समाज में अपराधीकरण में वृद्धि होगी। समाज के अपराधीकरण की वृद्धि होगी। कुपोषण दर बढ़ेगा। कुपोषण दर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ना होने की स्थिति में अच्छे पोषक आहार की कमी होगी, जिनसे कुपोषण दर बढ़ेगा। अशिक्षा बढ़ेगी। अशिक्षा बढ़ेगी। जीवन की गुणवत्ता अर्थात लाइफ स्टाइल, जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता बढ़ेगी। सामाजिक असमानता बढ़ेगी। सामाजिक अशांति। सामाजिक अशांति बढ़ेगी। सामाजिक अशांति बढ़ेगी। और साथ ही साथ समाज में वर्ग संघर्ष भी बढ़ेगा। समाज में वर्ग संघर्ष अर्थात क्लास स्ट्रगल बढ़ेगा।
तो ये है बेरोजगारी के प्रभाव। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। अगला है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय, ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हम डिस्कस करते हैं। पहला, जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि या समृद्धि। दूसरा है आय के असमान वितरण को दूर करना या कम करना, आय के असमान वितरण को कम करना। अगला है जीडीपी में वृद्धि, आय के असमान वितरण को कम करना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। सरकार द्वारा विभिन्न, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया स्कीम, डिजिटल इंडिया योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मनरेगा, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना अर्थात ग्रामोदय योजना। जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण रोजगार योजना, जय प्रकाश नारायण रोजगार योजना। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय है जीडीपी में समृद्धि, आय के असमान वितरण को कम करना, जनसंख्या पर नियंत्रण, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने के उपाय है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मनरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जय प्रकाश नारायण रोजगार योजना। इसके बाद देखते हैं बेरोजगारी का मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में बेरोजगारी का मूल्यांकन आगे है, बेरोजगारी का मूल्यांकन, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी का मूल्यांकन। पहले देखते हैं नकारात्मक मूल्यांकन,
फिर देखेंगे सकारात्मक मूल्यांकन और अंतिम में परिणाम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी भारत की एक विकराल समस्या है। बेरोजगारी भारत की एक विकराल समस्या है। बेरोजगारी भारत की एक विकराल समस्या है। सकारात्मक, वर्तमान सरकार भारत के विकास का पथ प्रदर्शक है। जीडीपी में वृद्धि इस बात का घोतक है कि भारत विकास के मार्ग पर प्रशस्त है। तो आज हमने इस प्रकार से बेरोजगारी को डिस्कस किया।